आदिवासी समाज की गौरी नृत्य एक ऐसी परंपरा है जो कि उन्हें ही नहीं बल्कि दूसरे समाज को भी उनकी तरफ आकर्षित करती है। परंतु देलवाड़ा के गमेती समाज द्वारा लगभग 15 वर्षों से गौरी का नृत्य नहीं करते हैं। आइए जानते हैं राजस्थान की इस गौरी की मेवाड़ की परंपरा के बारे में। मैं शंभू और ये है मेरे गाँव की परंपरा। गौरी एक ऐसा नृत्य है जो कि केवल बिल समाज लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता है। गली गली गाँव गाँव नुक्कड़ नाटक की तरह इसे भी प्रस्तुत किया जाता है। गौरी का खेल हमारे परंपरा से चल रहा है। जैसे पुराने लोग बाग जो ने पहले से ही हमारे माता जी का रिवाज है, जो पहले से गांव वालों ने मतलब गांव की ओर से हमारे माता जी को सब पूछते एक बार, फिर हमारे गांव वाले सब बकेटे होते, फिर गौरी लेते और हमारे सवा महीना तक गौरी रमते। जिसमें कालू कीर, बंजारा, राधा कृष्ण, देवी अम्बा, राजा जैन, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, शेर पार्वती व चुटकले नाटक जैसे धार्मिक खेल व इतिहास को दर्शाया जाता है। इसमें महिला क्या एक नहीं खेल सकती है, और महिला तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। महिला 9 दिन तक हमारे गौरी लेते हैं, तो महिलाएं 9 दिन तक व्रत रहते और पाँव में चंपल नहीं पहनते। मतलब अभी हमारे देलवाड़ा में तो 10 साल से अल तक गौरी नहीं हुई है। 2001 में हुई थी, उसके बाद में गौरी नहीं ली, क्योंकि गौरी में मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत होता है। कम से कम एक एक आदमी की 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। गौरी नृत्य मेवाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि आदिवासी लोगों द्वारा खेला जाता है, और ये नृत्य पिछले कई वर्षों से लुप्त होता जा रहा है। और अगर ये नृत्य आने वाले टाइम में नहीं हुआ तो जो आने वाली पीढ़ी है वो ये नृत्य नहीं देख पाएगी और इनके इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होगी। मैं मेरे यहाँ के स्थानीय लोगों से व कल्चर विभाग से निवेदन करता हूँ कि इस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए हमारी मदद करें। मैं शंभूलाल खट्टी, राजस्थान के राजसमंद जिले के देलवाड़ा गांव से, इंडिया अनहट के लिए।